तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है, ये आज तीसरा दिन है हमारा, और हम लगातार 22 तारीख को हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया था कि हमारी जो भी समस्या है उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, लेकिन कमिश्नर साहब ने अभी तक उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करा और हमारे को हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर बातचीत करना जायज़ नहीं समझा। हम ये कह देना चाह रहे हैं कमिश्नर साहब से कि समय रहते सर हमारी बात पर गौर किया जाए कि 5 कोरोना काल के चलते जो हमारा तेल और साबुन का जो था वो सभी चीज़ें इन्होंने हमारी बंद कर दी हैं, तेल और साबुन हमारा बंद कर दिया, सैनिटाइजर आता था हमारे लिए वो बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना ख़त्म हो चुका है और इसलिए वो सामान भी आप लोगों का बंद कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि अगर WHO ये कहता है कोरोना ख़त्म है और हमारे CMO साहब करनाल से कहते हैं कि ये ख़त्म है तो हम मान लेते हैं। अगर कोरोना ख़त्म है तो 108 कर्मचारी, कल के अखबार में देखा था मैंने कि एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो वो कोरोना वो उनके ऊपर कैसे कोरोना आ गया वो समझ नहीं आया, जब खत्म हो गया तो उनको कोरोना कैसे हो गया। दूसरी दूसरी बात ये कि हमारा 1 साल हो गया निगम कार्यालय ये चलता हुआ, यहाँ हमने यूनियन का कार्यालय मांगा और उसके 4 रिमाइंडर भी दिए, उसके बावजूद भी हमारे को कहीं भी कार्यालय में जगह नहीं मिली। उसके बाद हमारे को जो है मीठी गोली के तौर पे ये कह दिया जाता है कि भाई 7वाड़ा प्लाट जो है हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री होगी उसमें आपको बढ़ा के दे देंगे। हम ये कह रहे हैं कि सभी अधिकारियों के लिए जब यहाँ 4-4, 5-5 कमरे अधिकारी लेके बैठे हैं तो एक कमरा हम यूनियन के कार्यालय के लिए मांग रहे हैं, वो भी हमारे लिए नहीं है। और जो हमारा कर्मचारी है सुबह 6 बजे निकल के और 11 बजे तक अपना भूखे पेट जो यहाँ काम कर रहा है और धूप में और छाए में बरसात में लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है, और उसके बावजूद भी मेरे कर्मचारियों के ऊपर दबंगकारी इनकी इतनी हो रही कि 5 मिनट अगर कर्मचारी कोई पानी पीता है या कोई शौच के लिए जाता है, कोई दवाई दारू भी किसी के साथ कोई इमरजेंसी कोई वो हो जाए तो उसके लिए भी उसकी अपसेंटें लगाई जाती हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अधिकारी अपनी कुर्सियों से यहाँ गायब रहते हैं 2-2 घंटे, क्या उनकी कभी जांच हुई है, उनकी कभी अपसेंट लगाई गई है, नहीं लगाई गई। हम ये संघ ये मांग करता है कि आप जो ये अपनी दबंगकारी कर रहे हैं, आज हमारे कई कर्मचारियों का दफ्तर से जो है लेटर इन्होंने निकाल दिया है कि भाई PN है हमारे वो कलरक का काम नहीं करेंगे, या उससे जो हमारे कलरक हैं वो अपना झाड़ू का काम करें। हम ये कह रहे हैं बहुत सराहनीय कदम है आपका, जैसी साहब जोन साहब आपने करा है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो झाड़ू का काम करें। हम ये कहते हैं भैया मेरा कर्मचारी झाड़ू लगाने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं कर्मचारी हों, पुरुष कर्मचारी हों, सभी के सभी नगर पालिका ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर पालिका जंगरिंग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रही कि जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। बड़ी जानकारी यही किस तरीके से करनाल नगर निगम ऑफिस के बाहर भारी संख्या में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, नगर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद।